नमस्कार दोस्तों, हप्पू की उल्टन पलटन। अपनी पलटन के साथ दिल्ली पहुंचे दरोगा हप्पू सिंह और जल्द ही शो में आने वाले हैं नजर। कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है कि अभिनेता योगेश त्रिपाठी उर्फ दरोगा हप्पू सिंह हाल ही में अपने नए शो हप्पू की उल्टन पलटन के कलाकारों के साथ दिल्ली आए हैं। योगेश त्रिपाठी ने इस दौरान भाभी जी घर पर है में अपने किरदार दरोगा हप्पू सिंह को लेकर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है और साथ ही अपने नए शो को प्रमोट भी किया है। योगेश ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोगों को मेरा किरदार इतना ज्यादा पसंद आएगा। योगेश त्रिपाठी ने कहा कि हप्पू की उल्टन पलटन मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। जब मैंने हप्पू सिंह का किरदार निभाना शुरू किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाऊंगा। आज ये शो पूरा हो जाएगा, यानी कि आज एक पूरा शो हप्पू सिंह के कैरेक्टर पर टिका हुआ है और काफी अच्छे तरीके से दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया। मैं चाहता हूं कि वो हप्पू की उल्टन पलटन को भी बहुत ही ज्यादा प्यार दे। योगेश ने कहा कि दिल्ली हमेशा से मुझे गर्मजोशी से एक्सेप्ट करती रही है और मुझे यहाँ रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के दर्शक मुझ पर अपने प्यार और प्रशंसा की बौछार करते रहेंगे, क्योंकि मैं हप्पू की उल्टन पलटन के साथ एक नई यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। शो में कटोरी अम्मा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने कहा है कि जब मुझे ये भूमिका की पेश की गई तो मैंने इसे लेने से पहले सोचा ही नहीं। दर्शकों के लिए खुशी लाना और उन्हें हंसाना मेरा सौभाग्य है। हिमानी शिवपुरी ने शो में अपने रोल कटोरी अम्मा का लेकर खुलकर बात की, यानी कि ये जो शो है काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है और ऐसा कहा जा रहा है जैसे भाभी जी घर पर है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया, इसको काफी ज्यादा पसंद किया गया, इसके किरदारों से लोगों को इतना ज्यादा प्यार हो गया कि लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि हप्पू की उल्टन पलटन जो शो आने वाला है इसका बेसब्री से फैंस इंतजार कर रहे हैं। और इसमें भी कुछ नया हमें नजर आएगा, कुछ अलग किरदार हमको नजर आएंगे जो हमें डेली हंसाएंगे। अगर आप लोग भी एक्साइटेड हैं इस नए शो के लिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टुडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।